केंद्रीय श्रम संगठनों की ओर से प्रतिरोध दिवस के रूप में 3 जुलाई को सुबह 11 बजे श्रम विभाग जयपुर पर केंद्रीय श्रम संगठन की ओर से काला छाता लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस पर जयपुर रेलवे यूनियन कार्यालय पर बैठक आयोजित हुई। बैठक में 3 जुलाई के प्रतिरोध दिवस को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में केंद्रीय श्रम संगठन C2HSMS, एटक, इंटक और C2 संगठन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन LIC, जनरल इंश्योरेंस और इनकम टैक्स के नेताओं ने भी भाग लिया। केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा आहूत प्रतिरोध दिवस को 3 जुलाई को केंद्रीय श्रम राजस्थान में पूरी तरह से सफल बनाने का निर्णय यहां पर लिया गया। श्रम संगठनों के आह्वान पर 3 जुलाई को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होगा। केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध, श्रमिकों के अधिकारों के हनन के विरुद्ध जो सरकार पॉलिसी बना रही है, उन सब चीज़ों को लेकर। और जयपुर में हमने तय किया है कि श्रम आयुक्त कार्यालय पर हम प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा जितने भी यूनिट्स हैं, वर्कर्स के कारखाने हैं, वहाँ पर प्रदर्शन होगा। सारे जिलों के अंदर प्रदर्शन होगा, काली पट्टी लगाएंगे और देश की सरकार को इस बात के लिए आगाह करेंगे कि आपने समय रहते श्रमिक विरोधी नीति को नहीं बदला, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो आप जा रहे हैं उस दिशा को नहीं बदला, तो इस देश में एक जबरदस्त आंदोलन को झेलने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा।